Hi, this is Ajay Bahl, and you're watching IndiaGlitz.com. It's actually about a degree which doesn't hold any value in today's world. The main character, Mukesh, in the movie BA Pass, is enrolled in a BA Pass course in college, and it's metaphorical for his life because, like I said, it's a degree which is of no value. Technically, you become a graduate, but when you come out of college, it doesn't get you any job. Same way, BA Pass is a sort of a dark coming-of-age film, and by the time Mukesh's character realizes what has happened with him, it's too late, so it's of no use to him. So metaphorically, the title BA Pass. Mukesh is a boy who comes from a small town in Mofussil, India, like a small, obscure, little North Indian town. He comes to Delhi to live with his aunt. And जहाँ पे एक पंजाबी कल्चर में ये होता है कि अब लड़का गरीब घर से आया है आ गया है शहर में रहा है तो चलो लड़का है कुछ काम करवा लो इससे तो ये एंड्स अप लाइक बेचारा घर के काम ज़्यादा करता है वो कभी चाय बना रहा है कभी घर में किट्टी पार्टी हो रही है तो समोसे ले आया भाग के तो इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है तो उसी किट्टी पार्टी में उसकी जो बुआ जी हैं जिनके यहाँ वो रहता है उनकी एक फ्रेंड है जो कि शी इज़ फ्रॉम अ स्लाइटली अपर मिडिल क्लास सोसाइटी शी इज़ मैरिड टू अ हाई रैंकिंग रेलवे official, she meets Mukesh and she seduces him. So for a small town boy with no sexual experience, suddenly he meets this elder married woman, very experienced, जो किसी बहाने से अपने घर बुलाती हैं और उसको seduce करती हैं, तो वहाँ से कैसे उसकी life change होती है लड़के की, उसके बारे में कहानी. Yeah, it's based on this short story called The Railway Auntie, for obvious reasons. Written by Mohan Sikka, which was published in HarperCollins anthology called Delhi Noir in 2010. And so, ये जो दिल्ली नुआर जो किताब है HarperCollins की, आपने मनोहर कहानियों का नाम सुना होगा. वो एक sleazy सी बड़ी tabloid type की हिंदी magazine है जो कि ज़्यादातर हम लोगों ने railway station के platformों में टंगी देखी है. बहुत interesting लगती थी, बहुत नमकीन और मसालेदार खबरें होती थी उनमें, बट घर वाले हमेशा मना करते थे कि ये नहीं पढ़नी है. तो जब मैंने ये किताब पढ़ी डेली नुवार, मेरे को उससे काफ़ी मिलती जुलती कहानियाँ लगी. बट द डिफरेंस वॉज दैट इट वॉज रिटन बाय वेरी वेरी गुड राइटर्स. द स्टोरीज वर वेरी टेक्स्चर्ड, द कैरेक्टर्स वर वेरी वेल एच्ड आउट, एंड द स्टोरीज वर रूटेड इन अ डेली पंजाबी सब कल्चर, विच आई टोटली लव्ड बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, तो उस कल्चर को मैं काफ़ी समझता हूँ, उस कल्चर को झेला है मैंने बचपन से. तो मेरे को अपील की, आइडेंटिफाई किया मैंने उन कहानियों के साथ, और उसमें से मोहन सिक्का की जो कहानी है रेलवे आंटी, उसको चुना, उसके राइट्स लिया और उस पर यह फिल्म बनाई. सारिका जो एक सिनेमैटिक टर्म होती है फेम फटेल, वो इस तरीके की औरत होती है जो आपको खींच के आपके डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, तो उसको फ्रेंच लोग फेम फटेल बोलते हैं. तो उस तरीके का कैरेक्टर था सारिका का, और बहुत नाजुक लाइन, एक देयर इज अ थिन लाइन वेयर बिटवीन एरोटिका स्लीज. सो वी वर वेरी वेरी कॉन्शियस दैट इट शुड नॉट टर्न आउट टू बी स्लीजी. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि बहुत ही जहीन एक्ट्रेस ये कैरेक्टर प्ले करें, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है शी लाइक्स हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद बॉयज हाफ हर एज. तो उसको कन्विंसिंगली पुल कर पाना, किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर में भी एक डिग्निटी होनी चाहिए, वो सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होना चाहिए, तभी एक बॉडी बनती है और वो कैरेक्टर खुल के सामने आता है. इट बिकम्स अ फ्लैश एंड ब्लड कैरेक्टर, नहीं तो वो कैरिकेचर हो जाता है. तो इसके लिए इट वॉज वेरी वाइटल दैट वी हैव अ वेरी वेरी गिफ्टेड एक्ट्रेस, एंड देन शिल्पा इज अ गिफ्टेड एक्ट्रेस. बेसिकली वी नीडेड अ बॉय फ्रॉम द पंजाबी मिलियू, स्मॉल टाउन पंजाबी मिलियू. तो हम लोग ने बहुत ढूंढा, बम्बई के लड़के इतने ज़्यादा, मतलब बच्चे इतने ज़्यादा बम्बैया हो चुके हैं, नॉट ओनली बिकॉज चलो भाषा पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है, उनका जो एक्सपोजर है, उसमें वो इनोसेंस ढूंढना बहुत मुश्किल था मेरे लिए. सो आई वॉज, लड़के की एज जो है, जो कैरेक्टर की एज है, 19 साल की है. बट 19 साल के लड़के को अगर हम कास्ट करते तो द रोल, द मेच्योरिटी ऑफ द रोल वुड हैव बीन मच बियॉन्ड हिज, द स्कोप ऑफ हिज एज, यू नो, ऑफ हिज इयर्स, हिज एक्सपीरियंस. सो वी नीडेड समबडी हु वुड बी स्लाइटली ओल्डर सो दैट ही कुड गेट द नुआंसेस ऑफ द कैरेक्टर, येट लुक यंग, येट हैड दैट इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी. सो इट वॉज टफ. We auditioned about 1500 boys till Dibyendu Bhattacharya, he's one of the actors who plays a very important role of Johnny in the film, and who also conducted acting workshops with Shadab and Shilpa later. He suggested Shadab because he'd seen Shadab in Chittagong and liked what he saw. And then we took Shadab's audition, and I was amazed when I looked at her audition, because do tarike ke actor hote hain, जो खराब एक्टर होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, जो अच्छे एक्टर होते हैं वो एक्टिंग नहीं करते, उस मोमेंट को जीते हैं, और कैमरा सिर्फ उन्हें कैप्चर करता है उस मोमेंट को जीते हुए. तो आई वॉज लकी दैट
all the actors of my film, you know, they're from the latter category, and that's why it is so rich in performances. हाँ, रिचा को मैंने पहले इसलिए अप्रोच किया, दो द फर्स्ट चॉइस वो शिल्पा. मेरे अंदर एक सनक थी कि अगर मैं पहली पिक्चर बना रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्टर्स चाहिए नहीं, यू नो, आई ऑल्सो मस्ट ट्राई टू गिव सम न्यू एक्टर टू द इंडस्ट्री, यू नो, तो इसलिए. एंड शिल्पा वॉज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड शी वॉज ऑलरेडी वेल नोन बिकॉज ऑफ अ रोल इन चक दे. रिचा कंपैरेटिवली हैड ओनली डन ओए लकी टिल देन, and I thought ki theek hai, let's work with Richa. We met up, we were discussing, the script was very shocking, you know, so it was but we met a few times. Hum log lunch bhi khane saath mein jaate the, ek dusre ko jaan rahe the. Isi beech kya hua ki Anurag Kashyap ne Richa ko approach kiya Gangs of Wasseypur ke liye. To Richa ne mujhse pucha ki Ajay aisa aisa hai, kya karun? To maine kaha, are you mad? Matlab, you know, just don't think about it, do Anurag's film, you know. If I was an actor, I would have done the same, and like I totally understand, just go, you know. So, film, obviously, then Richard went and did Anurag's film, and then I came back to my first choice, which was Shilpa. और बाद में पता चला कि अनुराग ने पहले शिल्पा को अप्रोच किया था वासेपुर के लिए, बिकॉज शिल्पा को लगा कि उन्होंने एक बीच में राजू बहन करके टीवी सीरीज किया था जो अनुराग ने प्रोड्यूस की थी, तो उसको लगा कि सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो शिल्पा डिड नॉट डू दैट रोल. सो इट्स आयरॉनिकल, तो रिचा यहाँ से वहाँ गई, शिल्पा वहाँ से आई. See, when I started making this film, हम लोग, मैं और मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंदर, तो हम लोग आपस में यही बात करते थे, देखो गुरु, सब्जेक्ट हमने बहुत ऐसा चुना है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से बननी चाहिए. तो मेरे को कुछ, आई वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल सर्किट इज सच. सो आफ्टर द फिल्म गॉट मेड, दीप्ति ढकुना इज अ कंसल्टेंट विद NFDC. सो दे हैव दिस ईयरली थिंग कॉल द फिल्म बाजार इन गोवा, वेर दे शोकेस न्यू टैलेंट इन अ सेक्शन कॉल द वर्क इन प्रोग्रेस. तो दीप्ति ने फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म, तो उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रेकमेंड किया. वहाँ से हम लोग की फेस्टिवल जर्नी शुरू हुई. थ्रू दैट इट वेंट टू ओशियन, देन इट वेंट द बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एक्टर, शादाब वन द बेस्ट एक्टर देयर, देन इट वेंट टू मॉन्ट्रियल, न्यू जर्सी, सेंट पीटर्सबर्ग, काफ़ी, फिर न्यूयॉर्क गई और काफ़ी जगह गई फिल्म, मतलब 16 या 17 फेस्टिवल्स में गई. इट वन 5 अवार्ड्स, इट हैड 4 नॉमिनेशंस, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड. अब मेरे लिए सब नया था, तो मतलब, यू नो, आई वुड से दैट आई एम वन ऑफ दोज लकी फिल्म मेकर्स इन द फर्स्ट फिल्म हु हैव टेस्टेड द, यू नो, द फेस्टिवल सर्किट साइड, एंड देन मैनेज टू गेट अ बिग प्रेजेंटर लाइक भरत शाह टू बैक द फिल्म, एंड इट इज रिलीजिंग कमर्शियली, सो इट्स बीन क्वाइट अ राइड. सी, यू नो, आई रियली बिलीव कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट अ सक्सेस और फेलियर ऑफ अ फिल्म. You know, all you can do, all a filmmaker can do is make a good film. Dil se banaye, honestly banaye, izzat se banaye, uske baad chhod dena chahiye. Uske baad film ka kya hoga, kya nahi hoga, kisi ko malum nahi hota hai. And 80% of the films, you know, that come out in the market don't recover their cost. Everybody knows that. So what happens in the first film is ke, I'm just going by statistics, you know, ke 80% film mein toh paisa kamati nahi hai. Toh ab ye soch ke main baith jaun ki yaar meri picture toh super hit hogi, wo bevkoofi hogi, you know. Toh I'll be thrilled and I'll be very happy. Jab ye hoga, tab ye hoga. But I think if you get critical acclaim, it helps you in your career to get your second film. I'm being very practical, you know. So far so good. The reviews have been very kind. So I'm hoping that the reviews will be good. Can't say for sure. I'm hoping people will, you know, go and see it. Hit bhi hogi, but main itna zyada soch nahi raha hu is bare mein. To be very honest, like the film is releasing on the 12th of July. I don't even have the energy or like, you know, the time to think of my next meal. कि नेक्स्ट खाना कब खाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट फिल्म तो बहुत दूर की बात है. हाँ, बातें हो रही हैं. आई बीन इन टॉक्स विद अ फ्यू प्रोड्यूसर्स, पीपल हैव शोन इंटरेस्ट इन माय वर्क, बट राइट नाउ द फोकस इज बी ए पास. देयर 2-3 स्क्रिप्ट्स, बट आई विल डील विद देम. पहले तो मैं छुट्टी लूंगा 1-2 महीनों की फिल्म रिलीज करके, और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा उन स्क्रिप्ट्स पे लोगों से मिलना.